गुड आफ्टरनून चिल्ड्रेन। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एनिमल टिश्यूज के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग टिश्यूज के डेफिनेशन को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, हायर वर्टिब्रेट्स की बात हो रही है यहाँ पे, हायर वर्टिब्रेट्स, ठीक है। यहाँ से डेफिनेशन शुरू होती है, ठीक है। ए ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ठीक है। सिमिलर सेल्स का मतलब है यहाँ पे कि ऐसी सेल्स जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सेम हो, जिनका स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों सेम हो, ठीक है। ऐसी सेल्स का ग्रुप होना चाहिए, ठीक है। अलोंग विथ इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, और उनके साथ साथ क्या होना चाहिए, इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस होना चाहिए। इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस का मतलब होता है कि सेल्स के बीच में एक फ्लूइड लाइक सब्सटेंसेस होता है, उसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस, ठीक है। ये मिलके ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स और इंटरसेलुलर सब्सटेंसेस मिलके किसी स्पेसिफिक फंक्शंस को ये परफॉर्म करते हैं, ठीक है। कोई स्पेशल फंक्शन को, किसी स्पेशल टास्क को ये करते हैं, ठीक है। इस तरह के सेल्स के इस तरह के ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। अब आइए टिश्यू से रिलेटेड कुछ हिस्ट्री का है, यहाँ पे पॉइंट्स दिया हुआ है हिस्ट्री से रिलेटेड। पहला पॉइंट है स्टडी ऑफ टिश्यू इज कॉल्ड हिस्टोलॉजी, ठीक है। टिश्यू की स्टडी को क्या बोलते हैं, हिस्टोलॉजी बोलते हैं। अब देखिए, मार्सेलो मैल्पिगी एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने टिश्यू के स्टडी के लिए, टिश्यू की स्टडी को कैसे अच्छे से किया जाए इसके लिए एक सेपरेट ब्रांच बनाया था, हिस्टोलॉजी की एक सेपरेट ब्रांच को इस्टेब्लिश किया था इन्होंने, ठीक है। और दूसरा पॉइंट है, मेयर ने 1819 में हिस्टोलॉजी टर्म सबसे पहले यूज किया था, हिस्टोलॉजी ये टर्म सबसे पहले मेयर ने यूज किया था, ठीक है। और टिश्यू वर्ड सबसे पहले यूज किया था बाइकॉट ने, ठीक है। अब आइए देखते हैं एनिमल टिश्यूज के टाइप्स, ठीक है। एनिमल टिश्यूज के टाइप्स, पहला है एपिथेलियल टिश्यूज, इसको कवरिंग टिश्यूज भी कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज एंड नर्वस टिश्यूज, ठीक है। अगली वीडियो में हम लोग बात करेंगे एपिथेलियल टिश्यूज के बारे में। ओके, थैंक्स।